डॉक्टर की गवाही से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल बहुचर्चित अंगिता हत्याकांड में 27 जुलाई को कोटद्वार न्यायालय में देर शाम तक सुनवाई चलती रही। तकनीकी कारणों से सही समय पर सुनवाई शुरू नहीं हो पाई, लेकिन तकनीकी समस्या दूर होने के बाद 1 बजे के लगभग वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। भारी पुलिस बल के साथ वहां पर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं एम्स में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रवि प्रकाश मिश्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोर्ट में बयान दर्ज हुए। डॉक्टर रवि प्रकाश मिश्रा ने वीसी के दौरान कोर्ट में अपने बयानों में ये बताया कि मृतका अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम के लिए 4 डॉक्टरों का पैनल गठित किया गया था, जिसमें डॉक्टर आशीष भूते, डॉक्टर विकास वैभव और डॉक्टर यशपाल का पैनल तैयार किया गया था। पोस्टमार्टम शुरू होने से पहले पोस्टमार्टम रूम में पुलिस के द्वारा मिस्टर मोनू को बतौर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हेतु रखा गया था। डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट के बारे में न्यायालय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मौत से पहले अंकिता के शरीर पर काफी चोटों के निशान थे। डॉक्टर ने यह भी कहा कि मृतका की मौत पोस्टमार्टम से 4 से 6 दिन पहले होनी संभव है। मृतका के शरीर पर पाई गई चोटें मौत से पूर्व की ताजी चोटें थी। वहीं आशुतोष नेगी ने बताया कि आज कोर्ट में जो है डॉक्टर्स के बयान दर्ज हुए और जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। आज डॉक्टर्स के बयान थे जिन्होंने पीएम किया था, जो एम्स के डॉक्टर थे उनमें से एक डॉक्टर के बयान दर्ज हो पाए और जो डिटेल्ड पीएम रिपोर्ट आई थी उन्होंने वो सारी चीज़ें रिपीट की। उन्हें क्रॉस एग्जामिन भी किया गया, विरोधी पक्ष के जो अधिवक्ता थे उन्होंने उन्हें क्रॉस भी किया और कुल मिला के चीज़ें वही निकल के आई हैं जो आपको पता ही है कि एंटीमार्टम इंजरी भी थी उसमें, कि मौत से पहले उसके साथ संभवतः मारपीट, धक्का मुक्की, इस तरह की कुछ चीज़ें की गई और बाद में उसको फोर्सफुली धक्का दे दिया गया। जो मुंडेर थी वहाँ पे नहर के किनारे वहाँ पे अभियुक्तों द्वारा जो है उसे धक्का दिया गया जिसकी उसकी मृत्यु हुई। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अगली तारीख 4 अगस्त को लगी है और आज एम्स के डॉक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बयान दर्ज हुए। डॉक्टर ने अपने बयान में वही बताया जो कि उन्होंने पोस्टमार्टम के दौरान देखा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, उसी को उन्होंने विस्तार से कोर्ट में बताया। देखिए, अगली तारीख तो 4 अगस्त की लगी हुई है और आज यहाँ पर एम्स के एक डॉक्टर जिन्होंने यहाँ पर पोस्टमार्टम किया था उनके यहाँ पर बयान हुए हैं और वो बयान जो है वीसी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज नोट किए गए। उन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी उन्होंने पोस्टमार्टम करने में चीज़ें पाई थी उन सब के बारे में बताया। मृतका को किस प्रकार की चोटें आई थी, क्या आई थी, मृत्युपूर्ण चोटें थी या बात की थी, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताई वो पीएम रिपोर्ट में थी या कुछ अन्य था, उससे अलग भी बताई? नहीं नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था वही उन्होंने बताया था, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी अपने बयानों में दी थी। वहीं अंकिता के पिता ने बताया कि पुलकित आर्य और उसके अन्य साथी जब भी लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बेल की अर्जी लगाते हैं तो हमें भी पता चलना चाहिए, सरकार हमें भी बताए हमें पता कहां से चलना है। और इसीलिए हमने डीएम को एक चिट्ठी लिखी थी जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दी है और कहा है कि मेरी डीएम से ये मांग है कि जब भी अपराधी बेल के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएं तो हमें भी पता चलना चाहिए। वैसे तो उन्होंने कहा कि 99% बेल नहीं मिलती और अगर 1% बेल मिलती है तो उत्तराखंड की जनता इन आरोपियों को सड़क पर मारेगी। वो मैं चिट्ठी तो हमने जल्दबाजी में लिखा कि भाई पुलकित आर्य वहाँ अपनी बेल की अर्जी लगाया और हमें पता नहीं है, ये हमें कम से कम पता तो पड़ना चाहिए। अब पता कहाँ से पड़ना है हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमने सीधे सीधे अपने डीएम साहब के लिए लिख दिया, डीएम साहब ने फॉरवर्ड कर दिया सीएम साहब के। तो हमें सीएम साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बिल की बार बार या किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन लगा रहा है हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो कम से कम हमें पता पड़ जाए, पता पड़ जाए, पता चाहिए। हाँ, वैसे तो 99% इसको बेल नहीं मिलेगी, अगर 1% भी बेल मिलेगी इसको, अगर इस जेल से छूटता है तो पूरी उत्तराखंड की जनता इसको बीच चौराहे पे मारेगी पूरी तरह से। आपको बता दें कि आरोपी पुलकित आर्य ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट ने 10 अगस्त तक पीड़िता के अधिवक्ताओं को पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।